सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि बेहद अमीर इंसान, जो बेहद अमीर लोग होते हैं, वो किस तरीके से इंटरनेट का, वेबसाइट का और ऐप का इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ करते हैं, वो लोग क्या यूज़ करते हैं? अगर आप लोग सोचते हैं कि आईफोन यूज़ करना, मैकबुक यूज़ करना या फिर महंगी घड़ी या लंबी गाड़ी के अंदर घूमना अमीरों की निशानी है, तो आज के एपिसोड के बाद आप शॉक्ड रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि अमीर लोग किस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, पहली वेबसाइट की जो मैं बात करूंगा वो है जेम्स एडिशन। जेम्स एडिशन आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट को यूज़ करते हैं, उस तरीके से जो अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं वो अपना लग्जरी मार्केट प्लेस यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर वो लोग अपने लिए शॉपिंग करते हैं। अब किस तरीके की शॉपिंग होती है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। लग्जरी कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, यॉचेस हो गई, वॉचेस हो गई, यहाँ तक कि जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तक भी वहाँ पर अवेलेबल है। कुछ मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए 2007 मॉडल का आपको बेल 407 हेलीकॉप्टर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको 13 करोड़ 70 लाख रुपए का, अगर इंडियन करेंसी की बात करूँ। अगर आपको अपने लिए कासल चाहिए तो 326 करोड़ का आपको वो भी मिल जाएगा। लैम्बोर्गिनी अगर आपको गाड़ी चाहिए तो 2.26 करोड़ की आपको वो मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप अपना एक पर्सनल जेट भी खरीद सकते हैं, तकरीबन 17 करोड़ से उसका वैल्यू स्टार्ट होता है। हमारे आइडिया आप देख लीजिए कि किस तरीके की शॉपिंग साइट है। अमेजोन फ्लिपकार्ट तो हम यूज़ कर ही लेते हैं, तो इन लोगों के लिए है ये जेम्स एडिशन। दोस्तों, दूसरी अगर वेबसाइट की बात करूं, तो वो है रिच किड्स। अब अमीर लोग तो हो गए, अमीर लोगों के जो बच्चे हैं वो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो ये एक तरह की सोशल मीडिया साइट है रिच किड, जिसके अंदर वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, उनसे मतलब कि अपने दोस्त लोग बनाते हैं और अपने जैसे ही दोस्त लोग बनाते हैं और अपने जैसे ही दोस्त लोग बना सकते हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि इसमें करीब हर महीने आपको 77,000 की मेंबरशिप फ़ीस देनी पड़ती है। तो हर महीने 77,000 रुपये वो देते हैं सिर्फ इसकी मेंबरशिप फ़ीस, ताकि वो इसके अंदर बने रहें और अपना जो सर्कल है उसको बढ़ा सके सोशल मीडिया का। तो अल्ट्रा रिच पीपल हैं, उनके अल्ट्रा रिच बच्चे हैं, उनका अल्ट्रा रिच जो है उनका सोशल नेटवर्क है, तो रिच किड्स उनके लिए है। हालांकि एक मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, आईफोन जो है iOS उसने अपने ऐप स्टोर पे से इस ऐप को हटा दिया है। हालांकि उन्होंने कोई वॉयलेट नहीं करा किसी तरीके का, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार ये तो दिस इज़ रॉन्ग, और मेरे को बिल्कुल ठीक लगा कि उन्होंने इसको हटा दिया है। एंड्रॉयड पे अभी तक अवेलेबल है रिच किड्स करके, स्पेशल इनके क्राइटेरिया होते हैं अपने साथ में सोशल मीडिया में जोड़ने के लिए। देखते हैं कि ये अमीर हैं तभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको करते हैं। और 77,000 रुपीज़ वैसे भी कोई गरीब इंसान या नॉर्मल इंसान दे नहीं सकता है सिर्फ एक सोशल मीडिया नेटवर्क में बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर मैं अगले प्लेटफॉर्म की बात करूं, भयंकर भोकाल प्लेटफॉर्म है, मतलब जिसे बात करें जाए, आप फ्रेंडशिप करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक तो है, उस तरीके से टिंडर्स वगैरह भी काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं, ऐसी अल्ट्रा रिच लोगों के लिए एक वेबसाइट या ऐप आप बात कर लो, वो है लक्सी। ऑन लक्सी अगर वेबसाइट की आप बात करें तो वो सिर्फ वहाँ पर वेरीफाइड मिलियनेयर्स आपको मिलेंगे। अब वेरीफाइड मिलियनेयर्स का मतलब ये है कि वो आपको वेरीफाइड करेंगे कि आप जेन्युइनली मिलियनेयर हैं कि नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, इन्होंने अपने सोशल नेटवर्क में से काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि जब इन्होंने उनका बैकग्राउंड वेरीफिकेशन किया तो पता चला कि वो सच में मिलियनेयर नहीं थे, या फिर थोड़े से मिलियनेयर, मतलब उससे थोड़े से कम थे। कमाल की बात है ना। तो इनका क्या क्राइटेरिया रहता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको इसके अंदर मिलेगा 24/7 का कस्टमर सपोर्ट। दूसरी बात, आप यहाँ पे एंटी स्कैम सिस्टम है, मतलब कि ये सुनिश्चित करते हैं कि जो इंसान आपसे डेटिंग कर रहा है या बात कर रहा है वो सच में मिलियनेयर ही है, वेरीफाइड करते हैं उन लोगों को। तो डेटिंग साइट है, हाईली मतलब कि रिच पीपल के लिए है, मिलियनेयर्स के लिए है, onluxy.com। दोस्तों, अगली वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, बुक माई चार्टर, मतलब हमारे यहाँ पे होता है बुक माई शो, बुक माई ट्रेन, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, बुक माई चार्टर। बुक माई चार्टर में क्या होता है कि आप अपने लिए बुक कर सकते हैं प्राइवेट जेट, प्राइवेट प्लेन, और अपनी डेट आप मतलब कोई फिक्स कर सकते हैं। मैंने छोटा सा करके देखा, दिल्ली टू बेंगलोर, आपको मालूम मेरे को क्या मेरे को उन्होंने मतलब किराया उन्होंने बताया वहाँ पर जाने का। अगर मुझे दिल्ली टू बेंगलोर जाना है तो मुझे देने हैं 11,66,233 रुपये वन साइड के, मतलब एक साइड जाने के। हालांकि यहाँ से किराया जो है वो स्टार्ट होता है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप 41,63,433 रुपये तक दे सकते हैं। 41 लाख रुपये वन साइड किराया दिल्ली टू बेंगलोर। मज़ेदार वेबसाइट है जी, और लोग यूज़ करते हैं।
दोस्तों अगली अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो दे प्रोवाइड कॉन्शियस सर्विसेज एंड वेबसाइट का जो नाम है वो है quintessential.com या quintessentially.com। ये आपको मतलब वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी अगर आपके पास पैसा है। ऐसा बोलते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, और लगभग ये वेबसाइट इस चीज़ को प्रूव करती है। अगर आपका मन है किसी चीज़ का और पैसा आपके पास है तो ये सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल कराना इस वेबसाइट का काम है। थोड़े से मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आपको प्रपोज करना है किसी को सिडनी हार्बर के ब्रिज के ऊपर, तो ये पूरे ब्रिज को खाली करवाएंगे, वहाँ पर ट्रैफिक को रोकेंगे और वहाँ पर आपको प्रपोज करने के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। अगर आपको डिनर अरेंज कराना है किसी के लिए आइसबर्ग पे, बस आपको इनको पैसा देना है, अरेंजमेंट करना इनका काम। मतलब अमीर लोगों के जो ना जो पालतू डॉगी जो होते हैं ना, उनको भी किस तरीके की सर्विसेज मिलती है, और ये सर्विसेज दी है इस वेबसाइट ने। मतलब अगर उनको प्राइवेट जेट में लेके जाना है कहीं पे, तो ये सर्विसेज भी ये कंपनी देती है, ये वेबसाइट देती है। और अगर आपको चाहिए पूरा जेम्स बॉन्ड का एक्सपीरियंस, तो लंदन की सारी सड़कों को ये ब्लॉक करवाएगी, पैसा देगी गवर्नमेंट को, और एक मतलब एक किडनैपिंग टाइप का एक होता ना कि गाड़ी चलाई और लेके गए, जेम्स बॉन्ड बिल्कुल आपको चेजिंग एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, तो इस तरीके का एक्सपीरियंस भी इन्होंने बनाया हुआ है और इस तरीके की सर्विस भी इन्होंने दी हुई है। हालांकि कुछ मेरे को भी याद आ रही है जो मैंने थोड़ा सर्च करा, तो मॉन्ट ब्लैंक का एक पेन है जिसके मतलब सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर 70 वो पेन बने थे, उनमें से एक पेन इनके क्लाइंट ने मांगा, इन्होंने अरेंज करके दिया। एक इंसान था, उसके बेटे का जन्मदिन था, बर्थडे था, तो उसने कहा कि मेरे को बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली अपने बेटा जैसा ही चॉकलेट केक मुझे चाहिए। तो इन्होंने फ्रांस से उस केक को मतलब बना के मंगवाया, सॉरी ज्यूरिख से उसको बनवा के उन्होंने मंगवाया और उनको प्रेजेंट कराया इसकी। तो पैसा है तो बस हुक्म कीजिए, वेबसाइट आपके लिए सामान लेके आएगी। दोस्तों ये थे कुछ शौक और कुछ आदतें जो बेहद अमीर लोगों में होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे थोड़े टाइम बाद होंगे जो इस तरीके के शौक पालेंगे और इस तरीके से खर्चा करेंगे। मैं तो भैया सीधा साधा सा इंसान हूँ, एक डिजिटल इंडियन, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। मज़ेदार वीडियो था वैसे ये वाला। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और शेयर कर दो भैया, क्योंकि ये वीडियो सच में बहुत अच्छा है। मतलब उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा जो लोग देखना चाहते हैं कि अमीर लोग इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।